आज की कार्रवाई में कांग्रेस ने जो एक वॉकआउट भी किया, क्या मानते हैं आप जो राज्य मंत्री संदीप सिंह है उनके ऊपर जो आरोप है, उसके बावजूद वो सदन में थे लेकिन सरकार कहती कि आरोप साबित नहीं हुए, आरोप करने से कोई दोषी नहीं हो जाता, इस मामले को आपने उठाया था सर? सबसे पहले मैं कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का अपना दोहरा चरित्र जो है वो सबके सामने आ गया। जिस मंत्री से विभाग ले लिया जाता है और जिस मंत्री को पार्टी की बैठकों में नहीं आमंत्रित किया जाता, आज उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री सबने किस तरीके से उन्हें शील्ड कर रहे थे। जब उसमें व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया तो उसमें जवाब देने के बजाय जो है उसको उसके बचाव में आए, और ना कि अभी तथ्यों में ना कोई परिवर्तन हुआ है। हमने यही पूछा था, क्या जो उन पर आरोप लगे हैं या जो उनको जांच चल रही है, क्या वो जांच मुकम्मल हो गई है, क्या जांच में पूरे सबूत आ चुके हैं उनकी बेगुनाही के? लेकिन ना सवाल का जवाब सरकार ने दिया, ना ही जो मंत्री हैं उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे दिया। और हमने यही कहा था कि जब पिछले विधानसभा सत्र में नहीं आए थे तो आज आए हैं तो अपना स्पष्टीकरण दें, और जब हमारे स्पीकर महोदय ने जब उस चीज़ को अलाउ नहीं किया तो हमने, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध करते हुए हमने उसका वॉकआउट किया, और हम आज भी इसी बात पे कायम हैं कि तुरंत मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस जो है विधानसभा में मंत्री के तौर पे यहाँ कार्य करें। आज की कार्रवाई में सर, जो शराब के ऊपर एक रेजुलेशन था सर, जो जांच कमेटी गठित हुई थी उसकी रिपोर्ट जो आई थी उसके बाद, आप क्या मानते हैं जो इस पूरे मामले में सरकार का जवाब है, आबकारी मंत्री का जो जवाब? नहीं, सरकार जो है आज, पिछली बार सरकार इस सत्र में आपने देखा था उसमें जवाब में उसमें ले लिया था कि गृह मंत्री जी नहीं हैं, वो जवाब नहीं देंगे। और आज भी जिस तरीके से जो कॉलिंग अटेंशन मोशन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था उस पर जिस तरीके से जवाब दिए गए और जिस तरीके से सप्लीमेंट्री कही है या जो उसमें क्लेरिफिकेशन थी, उसका स्पष्ट तौर पे सरकार जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि अभी भी जांच पे जांच बिठाई जा रही है लेकिन किसी जांच की अभी तक टोटैलिटी फाइनलिटी नहीं हुई जिसकी कही जा रही है। अभी भी जाँच आ रही है तो जब इतने लंबे समय से सरकार जाँच ही नहीं कर पा रही तो उसमें क्या किसी तरीके से, मैं समझता हूँ सच्चाई नहीं, सच्चाई छुपाने का काम ज़्यादा करा जा रहा है। किसानों के कर्जे को लेकर और किसानों के कर्जे किन किन बैंकों से कितने कर्ज है, इसको लेकर भी एक सवाल था सर, सरकार कह रही है कि सिर्फ सहकारी बैंक का कर्ज है, उसकी जानकारी दे? नहीं, वो सवाल था वो स्पष्ट था, तमाम कर्जे का उसमें हरियाणा के बैंकों से जो है उसके कर्जे का सवाल था। और इसी के साथ साथ जो किसानों के साथ जिस तरीके से मजाक हरियाणा में कर रहा है, चाहे वो भावंतर योजना के तहत उनकी कीमत देने की बात हो, चाहे सरसों की अब की खरीद की बात हो, हमने विधानसभा में उठाया कि कर्जे के अलावा उनके जो जींस हैं जिनकी मूल्य की जिनका निर्धारण करके और जिनका कहती है कि हम 15 मार्च से उनके शुरू करेंगे सरसों खरीद का, सरसों की खरीद भी अभी तक एक दाना हमारे अपने 2-3 जिलों में तो है, अभी तक सरसों की खरीद की शुरुआत नहीं करी गई है। और यही हम कहते हैं कि इस सरकार का जो चरित्र है वो किसान विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, और आप देख सकते हो कि सरपंचों की मांग भी विधानसभा सत्र चलते चलते उन्होंने घोषणा भी करी लेकिन आज भी सरपंच जो हैं आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में कर रहे हैं, और हम आज भी इसी मांग को दोहराते हैं कि ई टेंडरिंग को सरकार वापस ले। आप उठा